मार्केट वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल, जितने की प्राइस में मार्केट में बिकता है इन्वेंट्री, जितने की बिकती है उसमें से कॉस्ट टू सेल माइनस कर देंगे जो आएगा उसमें, और एनआरवी में कॉस्ट एंड वैल्यू फर्क डिफरेंस है उसमें से जो कम होगा उस वैल्यू को हम क्लोजिंग इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का मतलब है जी इन्वेंट्री इज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट और एनआरवी व्हिच एवर इज लेस। तो अभी हम पढ़ रहे हैं वो हम इन्वेंट्री के वैल्यूएशन मेथड्स पढ़ने लगे हैं। हम वैल्यूएशन मेथड्स इन्वेंट्री के उसमें हमारा आता है जी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहला मेथड है हमारा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो हम करने लगे। ये जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है ये क्या है, ये है कि स्टोर में जो बंदा स्टोर कीपर है वो कैसे इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करेगा। स्टोर कीपर अपने पास इन्वेंट्री जो उसके पास आएगी रिसीव होगी। पेज बता दें, पेज कोई नहीं बता, मैं खुद ही कराऊंगा। फैक्ट्री में इशू भी करनी है आपने, रिसीव भी करनी है। सर क्वेश्चन नहीं शो हो रहा है। क्वेश्चन नहीं, मैं खुद से करवा रहा हूँ, क्वेश्चन खुद से बनाऊंगा। पागल तो नहीं हो गया? क्वेश्चन खुद से बना के बताऊंगा मेरे भाई, क्वेश्चन शो नहीं होगा यार, चुप कर दो जी। सबसे पहले हम क्या करते हैं जी कि इन्वेंट्री में इसका इसमें हमें जो स्टोर कीपर है उसको बनाना पड़ता है स्टोर लेजर कार्ड। तो मैं लिखूंगा सामने आपके, स्टोर लेजर कार्ड बनाना पड़ेगा। उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है जिस फॉर्मेट में आप बनाएंगे, और मेथड जो हम पढ़ने लेंगे स्टोर लेजर कार्ड के अंदर वो हमारा इस वक्त कौन सा है, फाइफो भी बोलते हैं इसको, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो भी बोलते हैं इसको। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब है जो पहले आया है वो पहले जाए, यानी जो चीज आपने पहले खरीदी है वो पहले आप इशू करेंगे। जो चीज आपने पहले खरीदी है वो पहले आप इशू करेंगे कहाँ, फैक्ट्री में, इसलिए बनने के लिए। इसमें कॉलम कौन कौन से बनते हैं, एक इसमें होता है जी रिसीव का कॉलम, एक बनता है जी आपका इशू का कॉलम, लास्ट जो है वो आपका बनता है बैलेंस का कॉलम। रिसीव्ड इश्यूड और बैलेंस, इसमें क्या होता है जी आपका सबसे पहले रिसीव के कॉलम में हम क्या लिखते हैं जी, जी कोई बात नहीं, क्वांटिटी, तीन कॉलम बनेंगे इसके अंदर, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। अच्छी बात, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट हमारे तीन कॉलम बनेंगे। बात नहीं, जी तीन कॉलम आ रहे हैं, रिसीव में भी क्वांटिटी, रेट और अमाउंट अमाउंट कॉलम बनेंगे, इसी तरह इश्यूड के अंदर भी क्वांटिटी, रेट और अमाउंट का कॉलम। बड़ा आसान सा टॉपिक है ये, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैलेंस के कॉलम के अंदर भी आपको रेट, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट का कॉलम जो है वो सर ये इसका फॉर्मेट है, ऐसा ये इसका फॉर्मेट है। जी जी बिल्कुल फॉर्मेट है, इसको इस तरीके से ही और मान तो है बनाते हैं इस तरीके से ही हम। पहले दो को करने फिर आखिरी को बात करो। अरे सवाल है वो यार समझ नहीं आ रही सर, सवाल भी आ गए यार। आप बेसिक तो सीख लो, आप कह रहे हो डायरेक्ट सवाल कराएंगे, सवाल नहीं सिखा रहे सर, फॉर्मेट सिखा रहे हैं, किसी का मैसेज आया
सर वो ईयरली पासपोर्ट पर मंगवा दे अच्छा जी देखते हैं जी अब हम सबसे पहले क्वांटिटी रिसीव के कॉलम में का मतलब रिसीव का मतलब है परचेज इशूड का मतलब है सेल और बैलेंस का मतलब है जो आपका पहले से पड़ा हुआ है पहले से अवेलेबल है तो बैलेंस कॉलम को मैंने थोड़ा ऊपर लिखना था इसको ऊपर लिख देते हैं नीचे से बता के सबसे पहले क्या है जी कि हमारे पास सपोज करें 100 यूनिट्स पड़े हुए थे हमारे पास पहले से 100 यूनिट पड़े हुए थे और एक यूनिट हमारा कितने का था $1 का रेट में आ जाएगा और हमारे पास 100 की अमाउंट का अवेलेबल था इस वक्त बैलेंस में इतने यूनिट अवेलेबल थे आपके पास कब डेट उसकी कौन सी है ये डेट का कॉलम बेसिकली है किसी भी मंथ का स्टार्ट आप ले सकते हैं टू में क्या हो रहा है जी कि हम मजीद यूनिट्स परचेज कर रहे हैं कितने 300 यूनिट हम मजीद परचेज कर रहे हैं 300 यूनिट मजीद परचेज कर रहे हैं और एक यूनिट कितने का टू का अमाउंट कितना आ जाएगा आपका 600 अमाउंट आपके हर स्टेप के बाद जो है ना वो आपने अपने जो है ना उसको बैलेंस को साथ साथ लेके चलना है 100 यूनिट्स पहले से पड़े हुए थे अब मजीद 300 यूनिट्स आपके पास और आ गए हैं उसको आप लिखेंगे टू के हिसाब से तो आपका बैलेंस में अमाउंट कितनी आ जाएगी 600 ये आपका बैलेंस अवेलेबल बैलेंस आपके पास ये पड़ा हुआ है कि 100 यूनिट जो है वो आपके पड़े हुए हैं क्वांटिटी में भी आएगा 100 यूनिट पड़े हुए हैं आपके 100 यूनिट आपके पड़े हुए हैं 1 रेट के हिसाब से 100 की अमाउंट के और 300 यूनिट्स आपके पास पड़े हुए हैं $2 के हिसाब से 600 की अमाउंट में इन दोनों को हम कंबाइन करके नहीं लिख सकते क्योंकि दोनों के रेट डिफरेंट है दोनों के रेट डिफरेंट इसलिए आपको बैलेंस में अलग से इसको लिखना पड़ेगा अलग से नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3 नंबर 3 में मजीद यूनिट्स परचेज कर रहे हैं कितने 50 यूनिट्स हम मजीद परचेज कर रहे हैं एक यूनिट कितने का है 3 का टोटल कितने आ जाएंगे आपके 150 बैलेंस में देखना है जी आपने बैलेंस में सबसे पहले आप लिखेंगे 100 यूनिट जो पहले से पड़े हुए 1 के हिसाब से वो लिखेंगे आप बड़ा बैलेंस लिखना पड़ेगा ना आपको 100 अवेलेबल है आपके पास तो पहले से आए थे फिर 300 पड़े हुए आपके पास तो $2 के हिसाब से वो पड़े हुए वो लिखेंगे वो कितने 600 के यानी बैलेंस में आपने पिछले वाली यूनिट्स को साथ लेके चलना है ये मतलब है बैलेंस में आपने पिछले वाली यूनिट्स को साथ लेके चलना है आ जाएगा 3 आ जाएगा 15 × 3 आप आ जाएगा 150 आ जाएगा टोटल आपका ये भी स्टेप हमारा खत्म हो जाएगा इसको भी हम या वो ऐसे करके क्लोज करेंगे अब नेक्स्ट चलते जी नंबर 4 पे नंबर 4 में हम इशू कर रहे हैं इस यानी 350 यूनिट्स हम इशू कर रहे हैं कितने 350 इशू का मतलब है यूनिट्स आर गोइंग टू इशू फ्रॉम स्टोर टू फैक्ट्री स्टोर से फैक्ट्री में भेज रहे हैं बिक नहीं रहे हैं स्टोर से फैक्ट्री में भेज रहे हैं 100 यूनिट सबसे पहले आपने 350 इशू किए तो 100 यहां से गए $1 पहले तो गए सबसे पहले 100 के इशू के कॉलम में आ जाएंगे ना वो इशू हो गए स्टोर से भी ये स्टोर है ना यार स्टोर एज ए कार्ड बना रहा हूँ स्टोर से बैलेंस स्टोर के पास जो बैलेंस में यूनिट्स पड़े हुए थे वहां से फैक्ट्री में चले गए बनने के लिए तो 100 यूनिट बन वाले चले गए कितने आपने इशू करने 350 बाकी कितने रह गए 100 में से 250 रह गए ना बाकी 350 करने थे 250 किसमें से कौन से वाले उठाएंगे हम $2 वाले अमाउंट कितनी आपकी आ जाएगी 500 250 वाले $2 वाले आपने उठा लिए अमाउंट आपकी आ जाएगी 500 अब रिमेनिंग कितने बचे 300 में से आपके पास कितने बच गए 50 यूनिट्स बच गए $2 वाले कितने के 100 और 50 यूनिट्स ही आपके पास पड़े हुए मजीद लेकिन वो $3 वाले हैं आपके और वो भी आ जाएगी उसकी अमाउंट कितनी 160
इसको अब हम इस स्टेप को हम क्लोज कर देंगे। ठीक है जी, ये हमने जो है ना इसको कंप्लीट कर लिया। क्या कह रहे हो तुम बताओ? ये मेथड हम कर रहे हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का जो मतलब है वो आएगा इशू के वक्त। इशू के वक्त जो पहले पड़े हुए वो पहले इशू करेंगे। 100 पहले पड़े हुए 1 के हिसाब से पहले जाएंगे, 250 300 में से चले जाएंगे, वो चले जाएंगे, बाकी 50 40 रहेंगे। क्योंकि 300 वाले पड़े हुए ना, टोटल 350 हमने इशू करने हैं, तो 100 सबसे पहले ऊपर वाले वो उठा लेंगे आप, फिर 300 में से 250 वाले वो उठा लेंगे आप। 350 इशू करने हैं आपने, जो पहले पड़े हैं वो पहले जाएंगे, जो बाकी बच जाएंगे। अगर 3 रुपए के हम पहले लेते हैं और 2 का बाद में लेते हैं, तो ऑर्डर उसका तब भी यही रहेगा कि 100, 100, 100, 200, 100। यार ये सवाल ही गलत पूछा आपने। ये हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पढ़ रहे हैं, जो पहले यूनिट्स हैं वो पहले इशू करेंगे। जो थर्ड एंट्री है 53150 क्यों करने हैं पहले? क्या हो गया यार, क्यों पहले करने हैं? समझ होटल की बात क्या? ये अगर हम 2 को रिसीव कर रहे हैं, होता ही नहीं ऐसे यार, हो नहीं सकता। समझ नहीं आ रही क्या सर वो कह रहे हैं, जहाँ पे 100 100 है वहाँ पे शायद वो 53150 सब कुछ हो सकता है, वो हो सकता है। तो लिखना हमें उसको रेट को ऑर्डर में है कि नहीं? नहीं बिल्कुल नहीं, अभी मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये समझ आ गई आपको? यहाँ तक समझ आ गई है? नहीं मसला तो पूछ लो। अब बैलेंस कितना रहेगा हमारे पास? 50 ये वाले पड़े 50। अब हम मजीद इशू क्या कहते हैं, मजीद हमने परचेज किए यूनिट्स 200 यूनिट मजीद परचेज किए, और एक यूनिट हमारा कितने का है जी? 9 का। ठीक है जी, अमाउंट कितनी आ जाएगी आपकी? 1800। आपके पास बैलेंस में क्या पड़ा हुआ जी? 50 यूनिट्स पड़े हुए हैं $2 वाले, वो अलग लिखने पड़ेंगे क्योंकि मैंने बताया कि उनका रेट फर्क है। 100 फिर 50 पड़े हुए $3 वाले, $150 के, और फिर 200 पड़े हुए आपके पास 9 वाले, वो आपके आ जाएंगे। हम 150 यूनिट्स इशू कर रहे हैं, 150 यूनिट्स हम अब इशू कर रहे हैं, तो हम कैसे इशू करेंगे वो हम देखते हैं। 150 यूनिट्स हम इशू कर रहे हैं, तो हम देखते हैं हम कैसे इशू कॉलम में इसको रिकॉर्ड करेंगे। 150 में से 50 तो पहले वाले चले जाएंगे, पहले 50 पड़े हुए हैं $1 वाले, वो चले जाएंगे आपके फैक्ट्री में। सारी बात है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है ना, तो पहले पड़े हुए पहले जाएंगे। उसके बाद 50 हमें और चाहिए, तो नेक्स्ट 50 वाले हैं वो भी चले जाएंगे फैक्ट्री में, इशू हो जाएंगे। नहीं नहीं ऐसे नहीं हो सकता, $2 वाले हैं। 15x2 करूंगा मैं, 100 आ जाएगा आपका। 150 हमने इशू कर दिए, अब 50 आ जाएंगे 3 वाले, ये आ जाएंगे 150, और फिर आ जाएंगे आपके 200। 200 में से कितने उठा लेंगे हम? 50, क्योंकि 150 हमने करनी है, 9 वाले कितने आ जाएंगे आपके पास? 450। ठीक है ना, अब बाकी कितने रह गए? बाकी रह गए 50 वाले भी चले गए, 50 वाले अगले वाले भी चले गए, और 200 में से 50 निकल गए, 150 रह गए $9 वाले। और इसी अमाउंट कितनी आ जाएगी? 1350। अब नेक्स्ट हमने मजीद परचेज किए, ये पॉइंट नंबर 6 था, सॉरी मैंने इसको लिखा नहीं। जी अब मजीद हम परचेज कर रहे हैं, कितने यूनिट्स? 300 यूनिट्स हम मजीद परचेज कर रहे हैं, और एक यूनिट कितने का है जी? 5 का। टोटल कितने आ जाएंगे आपके पास? 1500। बैलेंस लिख लेंगे हम, बैलेंस में पहले 150 वाले पहले से पड़े हुए, बैलेंस में आप पिछले यूनिट्स को साथ लेके चलना है आपने। 150 पहले से पड़े हुए हैं, कितने डॉलर वाले? $9 वाले, वो आ जाएंगे 1350। के बाद 300 वाले मजीद आप जो है वो मौजूद है आपके पास, बैलेंस में आ जाएंगे आपके पास 5 के रेट के हिसाब से, कितने आ जाएंगे जी? 1500।
ये हमने कंप्लीट कर लिया है, अपना बैलेंस वाला कॉलम भी हमारा कंप्लीट हो गया है, और इस तरीके से हमने स्टोर लेदर कार्ड जो है वो मेंटेन थोड़ा सा नीचे करना है। ठीक है जी, अब हमने देखना है कि हमारे पास हमने क्या निकालनी है, हमने निकालनी है कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स का बेटा फॉर्मूला होता है, आपको पता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। देख लेते हैं हम, ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास कितनी पड़ी हुई थी, 100 यूनिट थे एक के हिसाब से, 100 की ओपनिंग इन्वेंट्री थी, प्लस कर देंगे इसमें परचेजेस। परचेजेस वाले कॉलम में जितना भी परचेजेस रिसीव्ड के कॉलम में जो अमाउंट लिखी हुई है वो सब की सब आप उठा लेंगे। कौन सी वाली, ये वाली अमाउंट आप उठा लेंगे सारी की सारी, आपका परचेजेस का टोटल आ जाएगा 600 प्लस 150 प्लस 1800 प्लस 1500, तो आपका परचेजेस का टोटल आ जाएगा 600। वो रिसीव्ड का कॉलम परचेज का कॉलम ही है ना, 600 प्लस 150 प्लस 1800 प्लस 1500, तो आपका परचेजेस का टोटल आ जाएगा आपके पास 100 प्लस 4050। इसमें से माइनस कर देंगे हम क्या चीज, क्लोजिंग इन्वेंट्री। और क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी बनेगी, जो साल के एंड में आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको नजर आ रही है एंड पे जाके 1350 और 1500, इनको आप ऐड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी आ रही है जी 2850। ये माइनस कर दें आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल का आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, तो 100 प्लस 4050 माइनस 2850 कितना आ गया 1300 आपके पास। ये आ गई, ये आपके पास क्या आ गई, कॉस्ट ऑफ सेल आ गई। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है या इंटरेस्टिंग चीज है, अगर आप कॉस्ट ऑफ सेल्स का सॉरी इश्यू के कॉलम का टोटल करेंगे तो ये भी आपका 1300 ही आना चाहिए, क्योंकि इश्यू का कॉलम बेसिकली कॉस्ट ऑफ सेल है। जितने एक्चुअल इश्यू हुए हैं, जितने मटेरियल इस्तेमाल हो गया, जितना मटेरियल फैक्ट्री में चला गया यूज हो गया, करें टोटल इसका, तो 1300 ही बनेगा जी इश्यू के कॉलम का अमाउंट का टोटल 1300 बनेगा। ठीक है, अब आपने ये 1300 डायरेक्ट नहीं लिखना होता, आपने अपना पैटर्न पूरा यूज करना है जो मैंने बताया, कॉस्ट ऑफ सेल्स वाला, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो कॉस्ट ऑफ सेल आप निकालेंगे, क्योंकि सेल्स अगर दी हो क्वेश्चन में तो जीपी भी फाइन हो सकता है, ये मैंने उस पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जी। ये हमने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के तरीके से हमने इसको फॉर्मेट को हमने जो है वो बना लिया। अब मुझे बताएं ये समझ आ गई आपको, तो फिर मैं नेक्स्ट मेथड करवाता हूँ ताकि नेक्स्ट मेथड आपस में कंफ्यूज ना हो जाए। दूसरा मेथड, इसमें दो ही मेथड है हमारे, एक फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मेथड है इन्वेंट्री वैल्यूएशन का, और एक है वेटेड एवरेज मेथड। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मैंने करवा दी है, अब मैंने करवाना है वेटेड एवरेज मेथड, तो आप बताएं मैं आपको आज करवा दूं या कल करवाऊं, ये आपकी मर्जी है। सर कल कराएं सर, ये तो ऊपर ऊपर से ही है वैसे भी। जी, तो क्वेश्चन मैंने ओपन किया हुआ था इधर जी, ये रहा। लेकिन सबसे पहले उसने मैं कहा है जी, यहाँ पे मई जून 19-22 का क्वेश्चन है। जैसी इज ए मैन्युफैक्चरर एंड यूजेस ए सिंगल रॉ मटेरियल टू मेक हर प्रोडक्ट, द फॉलोइंग टेबल शोज इन्वेंट्री ट्रांजैक्शन फॉर द मंथ ऑफ मार्च। ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ आपको 1500 किलोज 1.9 के हिसाब से, रिसीट्स देनी है, रिसीट्स का मतलब क्या है, परचेज रिसीव। ठीक है, और जैसे ही यूजेस द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, द फॉलोइंग इश्यूज टू प्रोडक्शन कितने हैं, 3000 और 4500। कैलकुलेट द फॉलोइंग इन डॉलर द वैल्यू ऑफ इश्यूज टू प्रोडक्शन ऑन 5th मार्च। 5th मार्च को आपने जो 3000 यूनिट्स इशू किए हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के तहत, उसकी अमाउंट कितनी बनेगी, ये वो पूछ रहे हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं क्वेश्चन में, नहीं पहले 1500 क्वेश्चन में, जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड के तहत 3000 यूनिट इशू किए हैं वो आप कैसे इशू करेंगे। 5th मार्च से पहले हमारे पास यूनिट्स पड़े हुए कितने, 1500 भी और 3500 भी, तो 1500 वाले चले जाएंगे इशू हो जाएंगे मल्टीप्लाइड बाय 1.9 के हिसाब से, कितना आ गया जी
और बाकी कितने रह गए 1500 2850 बाकी कितने रह गए 3000 में 1500 वो किसमें से चले जाएंगे 1.92 वाले उसमें से हम इशू कर देंगे 1.92 वाले वो आपके चले जाएंगे आपकी अमाउंट आ जाएगी कितनी आ रही है 2880 ठीक है दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो आपके पास जो 5th मार्च के इशू का अमाउंट है वो आपके पास आ जाएगी कितनी आ रही है जी 5730 इसको दोबारा देखते हैं जी सर 1.92 से क्यों करेंगे सर जी देखें जी 3000 अपने यूनिट्स इशू करने हैं 3000 यूनिट्स कब इशू करने हैं 5 मार्च आपके पास मार्च 1 को ओपनिंग बैलेंस में यूनिट्स पड़े हुए थे 1500 के रेट के हिसाब से और 3 मार्च को पड़े हुए थे 3500 के हिसाब से आपने यूनिट कितने इशू करने हैं 3000 तो 1500 वाले जो ऊपर वाले हैं 1.9 वाले वो चले जाएंगे आपके फैक्ट्री में और 3500 में से भी 1500 के हिसाब से चले जाएंगे फैक्ट्री में और बाकी बैलेंस में अभी भी 2000 यूनिट पड़े होंगे 1.92 अगर मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करूँ तो मेरे पास 2000 यूनिट्स बता रहा हूँ मेरे पास 2000 यूनिट्स पड़े हुए हैं 1.92 वाले मेरे पास पड़े हुए अमाउंट निकालने की जरूरत नहीं वैसे बता रहा हूँ इस इशू के बाद भी पड़े हुए जी आगे चलते हैं जी अब हम नेक्स्ट इससे वैल्यू ऑफ इश्यू टू प्रोडक्ट ऑन 23rd मार्च बेटा 23rd मार्च को जो इश्यू हुए हैं वो अमाउंट कितने कितने किस तरह बनेगी सबसे पहले 23rd मार्च को जो आप इश्यू करेंगे 4500 कौन से वाले उठ जाएंगे 2000 वाले उठ जाएंगे यहाँ से 2000 वाले उठ जाएंगे और 500 अगले में से जाएंगे 2000 मार्च 3 के पड़े हुए मैं बनाता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए 2000 पहले निकल जाएंगे आपके पड़े हुए हैं ना 1.92 के हिसाब से 3840 उसके बाद 2000 मजीद 4500 करने हैं ना आप 2000 मजीद आपके इशू हो जाएंगे 1.95 के हिसाब से 3900 500 आपके इशू हो जाएंगे जी 2 के हिसाब से जी देखे भाई हमने जब 5 मार्च को इशू किए थे ना शहरयार तो हमने 1500 यूनिट ओपनिंग वाले ये भी चले गए सारे के सारे गायब हो गए क्योंकि हमने इशू कर दिए ठीक है जी ये वाले भी चले गए आपके पास से और 3500 में से भी कितने चले गए 1500 3500 में से कितने बच गए एक 2000 वाले बचे हुए हैं ये भी पड़े हुए आपके पास ये भी पड़े हुए आपके पास और 23 मार्च को आप इशू कर रहे हैं मजीद यूनिट 4500 तो 4500 जो आप इशू करेंगे पहले जो 2000 पड़े हैं 1.92 वाले वो इशू हो जाएंगे फिर 2010 मार्च वाले 1.95 के साथ वो इशू हो जाएंगे और 1500 में से 500 वाले $2 के हिसाब से इशू हो जाएंगे 1000 अगर कोई मुझसे पूछे कि क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी बचेगी तो मैं वो भी लिख सकता हूं क्लोजिंग इन्वेंट्री मेरी बचेगी 1000 यूनिट्स बचे हुए मेरे पास मल्टीप्लाई किस रेट के हिसाब से 2 के हिसाब से तो मेरे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स कितने बचेंगे 2000 वो भी मेरे पास अवेलेबल है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री मेरे पास कितनी बचेगी मैं वो भी फाइंड आउट कर सकता हूं जी बताएं आप मसला आ रहा है बोले आप मैं दोबारा बता देता हूं जून 19-22 में क्वेश्चन ये आया था देखें उसने इशू पूछे 5 मार्च को कितने यूनिट्स जो है वो इशू हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे 1500 वाले चले गए पूरे के पूरे इशू हो गए बाकी 3000 में से 1500 आपको मार्च 3 के यूनिट्स में से निकालने पड़े तो मार्च 3 के यूनिट्स में से 1500 निकल गए 1.92 के हिसाब से तो 5730 आपकी इशुएंस की कॉस्ट आ गई मार्च 5 में अब हमारे पास मार्च 23 के लिए मार्च 3 के 2000 यूनिट्स भी पड़े हुए हैं 1.92 के हिसाब से मैंने ये लिखे हैं 10 मार्च के 2000 यूनिट्स भी पड़े हुए हैं और 17 मार्च के 1500 यूनिट्स भी पड़े हुए हैं अब मैंने मार्च 23 को कितने यूनिट इशू करने हैं 4500 तो 2000 मार्च 3 वाले सारे निकल गए यहाँ लिखे मैंने फिर 2000
10 मार्च वाले वो भी सारे निकल गए, और 500 मुझे उठाने पड़ेंगे 17 मार्च वाले यूनिट्स में से 2 रुपए के साथ, जो कि आ जाएंगे 1000, और बाकी मेरे पास टोटल कॉस्ट ऑफ इश्यूएंस कितनी आ गई 8746, और क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी बच गई मेरे पास, 1000 यूनिट्स बचे हैं $2 वाले 2000 के हिसाब से। ठीक है जी, देखते हैं बाकी क्या कह रहे हैं। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री उसने पूछा है कि बताएं कितनी आती है। ये हमने क्वेश्चन अपना जो है वो सॉल्व कर लिया है। सर क्लोजिंग इन्वेंट्री हो जाएगी फिर? जी जी दोबारा बोले। नहीं सर आप करें कंटिन्यू। अब आपने इसका क्वेश्चन जो घर में करना है, ये वेटेड एवरेज मेथड से हम कल करेंगे, मैंने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से करवाया आपको, तो इसको वेटेड एवरेज मेथड से आपको करना पड़ेगा, तो उसका तरीका बिल्कुल डिफरेंट है वेटेड एवरेज मेथड से, दूसरा मेथड है ना। अब आपको जरूरी है कि आपको इस मेथड से कोई एक सवाल आप सॉल्व करें खुद। आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 2 मई जून 2023 का, खुद करना है आपने। मई जून 2023 का क्वेश्चन जो है वो आपने घर में खुद करना है। मई जून 2023 का क्वेश्चन है, इससे नेक्स्ट वाला वो आप इच्छा वाले करके लाएं, फिर हम कल जो है वो वेरी डेवरेज मेथड का जो सवाल है वो सॉल्व करेंगे, उसके जरिए हम इसको सॉल्व करेंगे। जी मैं सर कौन सा सवाल दे रहे हैं घर के लिए? इससे अगला क्वेश्चन है। अच्छा मैंने करवा